हेलो गाइस, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कि जो फ्लूड होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका बैलेंस कैसे बिगड़ जाता है अपनी बॉडी में, वो अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इट मींस द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो वाटर का टोटल वॉल्यूम है, एक तो वो, और एक है इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है, वो क्या हो जाए बॉडी में इम्बैलेंस हो जाए, वो क्या हो जाए बिगड़ जाए। और द अमाउंट इन वन और मोर ऑफ द फ्लूड कंपार्टमेंट, और जो फ्लूड कंपार्टमेंट है, एक या एक से अधिक जो फ्लूड कंपार्टमेंट है उनका जो अमाउंट है वो है इंक्रीज और डिक्रीज, या तो वो इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए बियॉन्ड लिमिट, अपनी लिमिट से जो लिमिट है उसके, या तो उससे ज़्यादा हो जाए या फिर उससे कम हो जाए, या तो फ्लूड जो कंपार्टमेंट है वो, या फिर जो वाटर है या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट है, या तो वो ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए अपनी लिमिट के अनुसार, तो फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को हमको मिलता है। देखो, जो भी अपन इनटेक करते हैं, जो भी अपन आउटपुट करते हैं, हमारी बॉडी उसको क्या करती है, बैलेंस करने का काम करती है। जो भी आपने फ्लूड टेक किया लिया तो उसको एक्सक्रीट करेंगे अपन, ठीक है, तो जो बॉडी है वो फ्लूड टेक किया और एक्सक्रीशन किया उसके बीच में बैलेंस बनाए रखने का काम करती है। एबनॉर्मल लेवल ऑफ फ्लूड इन द बॉडी, बॉडी में जो फ्लूड है उसकी जो एबनॉर्मल लेवल हो जाए तब वो क्या होगा, फ्लूड का इम्बैलेंस होगा। अपने फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस टॉपिक डाला था, उसके लिए अपन पहले पढ़ रहे हैं फ्लूड बैलेंस इम्बैलेंस। तो फ्लूड इम्बैलेंस में क्या होगा, फ्लूड का एबनॉर्मल लेवल हो जाएगा। एल्डरली पीपल आर हाईएस्ट रिस्क, मोस्ट कॉमनली कॉल्ड डिहाइड्रेशन एंड फ्लूड ओवरलोड। और ये सबसे ज़्यादा जो है फ्लूड इम्बैलेंस और किसमें देखने को मिलता है, एल्डरली जो पीपल होते हैं, जो बूढ़े पीपल होते हैं उनमें देखने को मिलता है, उनकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क होती है। और इसे अपन डिहाइड्रेशन भी कहते हैं और इसे फ्लूड ओवरलोड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पानी की कमी हो जाएगी, यानी फ्लूड की कमी हो जाएगी, तब उसे कहेंगे डिहाइड्रेशन, और जब फ्लूड की ज़्यादा अधिकता हो जाएगी तो उसे फ्लूड ओवरलोड कहा जाता है। ठीक है, तो फ्लूड इम्बैलेंस तीन कारणों से अपन को देखने को मिलता है, फ्लूड ओवरलोड या कह दो, डिहाइड्रेशन कह दो, या फ्लूड इम्बैलेंस कह दो। ठीक है, तो फ्लूड इम्बैलेंस अपन को तीन तरह जो कारण है वह उनके से देखने को मिलता है अपन को। पहला जो कारण आता है वो आता है हाइपोवोलेमिया, दूसरा आता है नॉर्मोवोलेमिया विद माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूड, एंड आता है तीसरा हाइपरवोलेमिया। देखो, पहला कारण क्या है, हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया का मतलब है कि जो वॉल्यूम है फ्लूड की वो क्या हो जाए कम हो जाए, तब फ्लूड इम्बैलेंस होगा। हाइपरवोलेमिया का मतलब है कि फ्लूड की जो मात्रा है, जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए, तो हाइपरवोलेमिया से अपन को फ्लूड इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। नॉर्मोवोलेमिया विद माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूड, देखो वॉल्यूम तो नॉर्मल है, फ्लूड की वॉल्यूम तो नॉर्मल है, लेकिन जो माल डिस्ट्रीब्यूशन यानी फ्लूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं हो पा रहा है, कहाँ पर टिश्यू में जो हो गए वहाँ पर अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है फ्लूड, तो तब अपन को फ्लूड इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तीन कारण अपन को ध्यान में रखने। वोलीमिया क्या होता है, हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया कुछ नहीं होता, फ्लूड लॉस एक्सिस सो द फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट। हाइपोवोलेमिया का मतलब वॉल्यूम कम हो जाना फ्लूड का, तो फ्लूड लॉस के कारण एक्सिस, फ्लूड लॉस क्या हो गया, एक्सेस ज्यादा हो गया, सो इसलिए द फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट, जिसके कारण फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट हो गया। डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लाज्मा द लिक्विड एरिया ऑफ द ब्लड, जो ब्लड का लिक्विड एरिया होता है प्लाज्मा वो क्या हो जाए उसके नंबर में डिक्रीज हो जाए, उसकी जो मात्रा है वो क्या हो जाए डिक्रीज हो जाए, तब उनको फ्लूड लॉस एक्सेस हो जाएगा, तब अपनी फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट देखने को मिलेगा, यानी हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगा। और इट ऑफ ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ये तो ये हो सकता है डिहाइड्रेशन पानी की कमी से, या फिर सीवियर हेमरेज की वजह से कोई ब्लीडिंग हो जाए, तब उसकी वजह से हाइपोवोलेमिया अपन को देखने को मिल सकता है। अब दूसरी जो कंडीशन वो है हाइपरवोलेमिया, कि हाइपरवोलेमिया क्या होता है, आल्सो नॉन इज द फ्लूड ओवरलोड एंड ओवर हाइड्रेशन, या तो इसे अपन फ्लूड ओवरलोड कहा जाता है, फ्लूड का ओवरलोड हो जाना, या फिर ओवर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का ओवर यानी ज़्यादा हो जाना, तो ज़्यादा हो जाना पानी का तो उसे हाइपरवोलेमिया अपन कहते हैं। वेयर द टू मच फ्लूड इन द बॉडी फ्लूड ओवरलोड रिजल्ट फ्रॉम टू मच फ्लूड इन द ब्लड स्ट्रीम और फ्रॉम डायल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड द RBC। अब देखो, हाइपरवोलेमिया जो है अपने बात की, किसे फ्लूड ओवरलोड कहा जाता है, ओवर हाइड्रेशन कहा जाता है। देखो यहाँ पर क्या होगा, टू मच फ्लूड हो जाएगा, टू मच का मतलब बहुत ज़्यादा फ्लूड हो जाएगा, कहाँ पर बॉडी अपनी बॉडी में ज़्यादा बहुत सारा क्या हो जाएगा फ्लूड भर जाएगा, और फ्लूड ओवरलोड रिजल्ट फ्रॉम, और जो फ्लूड ओवरलोड हो सकता है वो किसी कारण हो सकता है, टू मच फ्लूड इन द ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड स्ट्रीम है वहाँ पर जब क्या होगा फ्लूड ज़्यादा हो जाए तब देखने को मिल सकता है अपन को फ्लूड ओवरलोड, या फिर फ्रॉम डायल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड RBC, और RBC और इलेक्ट्रोलाइट की कमी के कारण देखने को मिल सकता है अपन को हाइपरवोलेमिया। इलेक्ट्रोलाइट जो है डायल्यूट हो जाए, डायल्यूट यानी घुल जाए, तब क्या होगा पानी क्या हो जाएगा भर जाएगा जो है ब्लड स्ट्रीम में, तब अपन को हाइपरवोलेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया हाइपोवोलेमिया और हाइपरवोलेमिया। अब अपन बात करते हैं, अपने फ्लूड इम्बैलेंस की बात की, अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की। तो इट इज मे बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन ओरिजिन। ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है अपन को, प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप से अपन को देखने को मिलता है। पहला था प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, प्राइमरी जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, इन दिस ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट आर इफेक्ट, इसमें ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट होता है, यानी एक इलेक्ट्रोलाइट की कमी या फिर अधिकता देखने को अपन को उसमें मिलती है। अब इसका एग्जांपल देखो, हाई साल्ट डाइट, जब अपन हाई साल्ट डाइट ले रहे हैं तो उनको सोडियम की मात्रा क्या हो जाएगी, सोडियम जो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके कारण हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि हाई साल्ट अगर डाइट ली है तो उसके कारण एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, उसे प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहेंगे, तो इसमें हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। अब देखो, पोटेशियम आर एक्सक्रीट, और जिसके कारण पोटेशियम क्या होगा एक्सक्रीट होगा, तो उसे क्या हो जाएगा हाइपोकैलेमिया, यानी पोटेशियम की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, तब क्या देखने को मिलेगा उनको हाइपोकैलेमिया। दो कंडीशन इसमें देखने को मिलेगी प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में। अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी इम्बैलेंस की। तो जो सेकेंडरी इम्बैलेंस होता है, सेकेंडरी इम्बैलेंस रिजल्ट फ्रॉम एन एबनॉर्मलिटी इन द सम अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ये रिजल्ट होता है एबनॉर्मलिटी आ जाए, कोई भी अपनी जो बॉडी में एबनॉर्मलिटी आ जाए, कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है अपने कोई भी ऑर्गन की हो गई उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन एबनॉर्मल हो जाए, तब अपन को सेकेंडरी इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। अब देखो, इट अफेक्ट मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइट, और ये मोर
देन एक इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट को अफेक्ट करने का काम करता है, जैसे कि रीनल फेलियर। एक यहाँ इसका एग्जांपल है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर होने पर यूरिन आउटपुट जो होगा वो फेल हो जाएगा और उसके कारण आल इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण जितनी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यूरिन आउटपुट आपका फेल हो गया, यानी बाहर यूरिन नहीं जा रहा है। अब यूरिन बाहर नहीं जा रहा है तो अपनी बॉडी में जमेगा, बॉडी में जमेगा तो इलेक्ट्रोलाइट की अधिकता हो जाएगी। ये क्या होता है, सेकेंडरी इम्बैलेंस देखने को हमको मिलता है। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम सीरम लेवल इज बिलो नॉर्मल, नॉर्मल लेवल से कम हो जाए सोडियम की जो सीरम लेवल है उसे हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे, लेस देन 135 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल जो सोडियम लेवल होती है 135 टू 145 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर होती है, अगर 135 से कम हो जाए तो उसे हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे, और यदि 145 से ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपरनेट्रीमिया कहेंगे। हाई लेवल ऑफ सोडियम इन द ब्लड, ब्लड में हाई लेवल हो जाए यानी 145 से ज़्यादा हो जाए तो उनको हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। अब अगली बात आती है हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया बिलो नॉर्मल सीरम कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम बिलो 3.52 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर। देखो हाइपोकैलेमिया यानी जो पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है सीरम में वो क्या हो जाए, नॉर्मल से बिलो हो जाए, कम हो जाए, तब अपन को हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है पोटेशियम की ब्लड में, 3.52 to 5.0 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 3.52 to 5.0 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर, ये हाइपोकैलेमिया नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी पोटेशियम की। अब अपन बात करते हैं हाइपरकैल्सीमिया की, हाइपरकैल्सीमिया क्या होता है, हाइपरकैल्सीमिया इसे बोल सकते हैं अपन। हाइपरकैल्सीमिया जो होता है वो हायर द नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेश हाइपरकैल्मिया है, क्या है हाइपरकैल्मिया, तो हाइपरकैल्मिया जो थी पोटेशियम की जो मात्रा है नॉर्मल लेवल से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, हायर हो जाए, तो अपन को हाइपरकैल्मिया देखने को मिलेगा। अब आता है हाइपोकैल्सीमिया, लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, ब्लड में जो कैल्शियम की लेवल हो जाए लो हो जाए। देखो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है ब्लड में, 9 से 11 mg/dL, यदि 9 से कम हो जाए तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। अब अगला जो टर्म आती होती है हाइपरकैल्सीमिया, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, जब हाई लेवल हो जाए यानी जो 11 mg/dL उससे ज़्यादा हो जाए तब उनको क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। फिर अपने 6 टर्म पढ़िए, पहली होती है हाइपरनेट्रीमिया, फिर होती है हाइपोनेट्रीमिया, फिर होती है हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्मिया और होती है हाइपरकैल्मिया, ठीक है। फिर सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम के बारे में पढ़ा है।